हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस मंच पर। माफ़ी चाहती हूँ, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो आपको ये झेलना पड़ेगा, पर भूकंप का पार्ट टू लेकर हाजिर हो गई हूँ आपके सामने, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम बहुत कम है। तो जब भी छुट्टी मिलती है ऑफिस से तो कोशिश करती हूँ कि वीडियो आपके लिए प्रॉपरली बनाऊँ और उसमें क्वालिटी भी हो और उसमें वो सारे पॉइंट्स कवर हों जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर भूकंप पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इन्हीं पॉइंट्स को अपने दिमाग से उसको कहाँ क्या फिट होता है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। और मैं स्पून फीडिंग में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो ऑफिसर क्लास की जॉब है, और ऑफिसर क्लास की जॉब का मतलब है कि आपको रोज़ 100 से अधिक या 100-200 पेजेस पढ़ने को होते हैं। जब एक ऑफिसर होता है उसके पास इतने पेजेस, कोई रिपोर्ट होती है, कोई कुछ भी, मतलब इस तरह की चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं जब आप ऑफिसर जॉब में होते हैं। तो आप अभी से क्यों ना उसकी आदत बना लें, क्योंकि जब आप वैसा मानसिकता रखते हैं कि हम तो ऑफिसर हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं आप उस दिशा में अग्रसर होते हैं। तो इंग्लिश में PPT इंग्लिश में रहेगी, पर समझाना मेरा हिंदी में रहेगा, टर्म्स थोड़ी इंग्लिश में ही रहेंगी। तो प्लीज़ थोड़ी मेहनत कीजिए अपनी तरफ से भी। स्पून फीडिंग हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि आपको बनाना है ऐसा ऑफिसर जो बारीकी से चीज़ों को समझे और डिसीजन मेकिंग में हमेशा आगे रहे। आपको एक भावी ऑफिसर बनना है तो प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि हम सब्जेक्ट की सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं, जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सब्जेक्ट्स को लें। पर स्पेसिफिकली दो सब्जेक्ट्स तो हम पक्का करने वाले हैं, वो है सोशियोलॉजी और हिस्ट्री। तो आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के हैं तो उनको प्लीज़ हमारा चैनल रेफ़र कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि उनका भी एक्सपर्टीज़ जो कमेंट है हमें मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं भूकंप का पार्ट टू। उससे पहले थोड़ी सा रिकैप देख लेते हैं कि हमने क्या किया है अब तक भूकंप में। तो हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी में क्या क्या टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, उसके ब्रांचेस क्या हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड बायो जियोग्राफी। देन हमने देखा रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, यानी कि जिसमें हमने जो रिमोट सेंसिंग है, बायो जियोग्राफी है, जो रीसेंट ट्रेंड है, क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमने कहा कि हम ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो हम अब बात कर रहे हैं अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक में हमने देखा डेफिनेशन एंड मेजरमेंट, फोकस एंड एपिसेंटर, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जोन्स, सम मेजर अर्थक्वेक्स, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो मैंने आपको इसके 4 पॉइंट्स, जो शुरू के 4 पॉइंट्स हैं, वो फिनिश कर दिए थे। आज हम करेंगे कुछ मेजर अर्थक्वेक्स, थोड़ा सा अर्थक्वेक जोन्स पर भी बात करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में वो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया था। तो और हम इसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रिपेयर्डनेस की, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है और क्या हम आगे एक प्लानिंग के तहत कर सकते हैं इससे जब भी ऐसी कोई संभावना हो अर्थक्वेक की, वो कैसे हम साइंटिफिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हमने डेफिनेशन जानी थी, उसके बाद हमने मेजरमेंट के बारे में बात की थी, हमने मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी और वेव्स की बात की थी, जिसमें रिक्टर स्केल, मर्क्युरी स्केल एंड सिस्मोग्राफ की बात की थी। एंड देन वी हैड फोकस ऑन फोकस एंड एपिसेंटर, कैसे पृथ्वी के अंदर जो गतिविधि होती है वो फोकस होता है भूकंप के टाइम, और जो ऊपर जो सरफेस पे होता है वो एपिसेंटर कहलाता है। तो हमने वो बात की। फिर हमने कॉजेज़ की बात की, बहुत डिटेल में हमने जाना कि प्लेट टेक्टोनिक्स और वॉल्केनिक इरप्शन कैसे इन दोनों का संबंध है, कैसे फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग का संबंध है, वो हमने जाना। फिर हमने एंथ्रोपोजेनिक रीजंस है, जो मानव द्वारा निर्मित जो रीजंस हैं, कारण हैं जिनसे भूकंप आने की संभावना बढ़ती जा रही है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए थे, जिसमें माइनिंग, डैम्स और एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी।
हमने अर्थक्वेक जोन्स को स्टार्ट ज़रूर किया था, थोड़ा सा और इसको कवर करेंगे। जैसे आपके सामने एक मैप है जिसमें आपको दिख रहा है कि जो रेड जोन है वो हम जोन 5 में लेते हैं, और ये जो है अर्थक्वेक के लिए डेंजर जोन में माना जाता है। तो हमने पिछली बार भी बताया था कि कच्छ रीजन जो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में, एंड देन आपका हिमालयन रीजन पूरा, ये पूरा रीजन आपको मतलब समझ में आ रहा होगा मैप देख के कि ये अर्थक्वेक की दृष्टि से ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। उसके बाद ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये सेकंड नंबर पे आता है, एंड देन ये ब्लू वाला जो ज़्यादा डेंजरस जोन में नहीं आता है। तो ये आप थोड़ा सा डिटेल में कहीं से पढ़िए। और मैं बताना चाहूँगी कि 59% जो इंडिया का लैंड एरिया है वो मॉडरेट से सीवियर अर्थक्वेक जोन में आता है, यानी कि 59% ऑलमोस्ट 60% जो आपके ये ऑरेंज जो डार्क ऑरेंज है और एक हल्का ऑरेंज है एंड रेड वाला एरिया, ये 59% एरिया है जो कि आपको जो इंडिया का हिस्सा है 59% जो मॉडरेट और सीवियर सिस्मिक हैजार्ड यानी अर्थक्वेक के जोन में आता है। तो ये आप पॉइंट अगर मेंशन करेंगे अपने पेपर में, अपने आंसर राइटिंग में, तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है जो चेक कर रहा होता है कि इतना आइडिया है। और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये याद करना बहुत ही आसान है। तो अबाउट 60% यू कैन से। तो अब हम आगे देखते हैं कि कैसे जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में जो सबसे डेंजरस एरिया माना जाता है जहाँ पर अर्थक्वेक की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, और अब अभी हम देखेंगे कि कैसे इस एरिया में साल दर साल भूकंप के झटके आते रहते हैं। तो एक हिस्ट्री है इसकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की। आप देख रहे हैं जो रेड वाला हिस्सा है ये है हिस्सा जापान के करीब, आप देख रहे हैं जापान ट्रेंच, फिर कुरीली ट्रेंच, इज़ू बोनिन ट्रेंच, फिलिपीन ट्रेंच, मेरियानास ट्रेंच, टोंगिया ट्रेंच, फिर ये एल्यूशियन ट्रेंच, ये जो हिस्सा है इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, और पेरू चिली ट्रेंच, ये आप देख रहे हैं कि ये साउथ अफ्रीका का मैप है, सॉरी साउथ अमेरिका का मैप है जहाँ पेरू चिली ट्रेंच है। तो इस एरिया में भूकंप के बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ये समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इस को भी दिखाना चाहूँगी, ये आपके सामने ये साइट है जियोलॉजिकल सोसाइटी, आप इस साइट पे जा सकते हैं, और इसमें एक इंटरैक्टिव मैप है जिसमें आप समझ सकते हैं कि कौन सा भूकंप का एरिया है। तो ये भूकंप डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं, तो ये जो रेड एरिया सॉरी ये जो येलो एरिया है यहाँ पर भूकंप, तो अभी हमें बात करी थी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की, तो ये वाला एरिया जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एरिया है, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर भूकंप की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। उसके अलावा ये हिमालयन रीजन पे भी बहुत भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं और बहुत हानि भी का भी सामना करना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं हाल के वर्षों में, 90s से हम देखते हैं। तो ये एक वीडियो है, आपको इसका लिंक भी दिखाई दे रहा है, आप लिंक में जाकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए क्या कहाँ कहाँ पर भूकंप के, द लार्जेस्ट अर्थक्वेक सिंस 1900, तो 1900 से ही ये डेटा है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो मैंने बताया उस तरफ कैसे झटके आते रहे हैं। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा अपने एग्ज़ाम में, राइटिंग में। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स आर इन दीज एरियाज, और ये सारे अर्थक्वेक 1.8 या उससे ज़्यादा के दिखाए गए हैं, क्योंकि ये मेजर अर्थक्वेक्स माने जाते हैं जिसमें बहुत हानि उठानी पड़ी। इफ़ेक्ट्स की चर्चा हम इस वीडियो के बाद करेंगे।
वीडियो कर्टेसी टू बिजनेस इनसाइडर, लिंक आप देख रहे हैं यूट्यूब का। सिर्फ आपको एक आइडिया दिखाने के लिए कि कहाँ कहाँ भूकंप के सबसे ज़्यादा झटके, ये देखिए ये जो एरिया है, तो ये बहुत ही यूएस जियोलॉजिकल सर्वे इसका सोर्स है। तो इस वीडियो को ज़रूर आप 2-3-10 बार देखिए, आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ भूकंप के झटके ज़्यादा महसूस किए जाते हैं, मेजर अर्थक्वेक्स कहाँ आए हैं और कहाँ ज़्यादा संभावनाएँ भी रहती हैं। तो उस जगह पर, इन जगहों पर जब भूकंप के झटके आते हैं तो क्या इफ़ेक्ट्स रहता है। तो सबसे पहले सुनामी, क्योंकि जब अर्थ के नीचे जब सबडक्शन होता है प्लेट्स का, एक प्लेट का दूसरे के ऊपर जब सबडक्शन होता है तो सुनामी का बहुत संभावना होती है, और सुनामी फिर वार्निंग भी जारी की जाती है जब ऐसा कुछ महसूस किया जाता है। तो सुनामी से आप सभी को पता है कि बहुत सारा लॉस होता है, फिर फायर ब्रेक भी हो सकता है, कहीं आग लग सकती है भूकंप आने की वजह से, फिर इन सब की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिज, घर, ऑफिसेस, बहुत सारा लॉस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली ठप हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप रहता है, कम्युनिकेशन लॉस हो जाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, और उनसे बढ़कर ह्यूमन लॉस, हम सभी जानते हैं कि कितने लोगों की मौत हो जाती है भूकंप के, जैसे हमने गुजरात का केस देखा और रिसेंटली हमने 2015 का नेपाल वाला केस देखा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस के साथ साथ ह्यूमन लॉस भी एक बहुत बड़ा लॉस है जो इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक में आता है। तो आप इसको पॉइंटर्स में लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में कि क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं भूकंप के बाद सुनामी का। जो भी सी एरियाज हैं वहाँ पर सुनामी का अलर्ट जारी किया जाता है, जब भी एक हल्का भूकंप भी आता है तो किया जाता है। तो सुनामी एक इफ़ेक्ट है, फिर फायर ब्रेक्स हो सकते हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस बहुत ज़्यादा स्तर पर होता है, आप फ़ोटो में भी देख सकते हैं, और आप जब भी भूकंप, कोई बड़ा भूकंप आता है तो आप टीवी चैनल्स पर भी देखते ही हैं। ह्यूमन लॉस एक बहुत बड़ा लॉस है, ह्यूमन रिसोर्स का लॉस होता है। फिर एनवायरमेंटल लॉस, एनवायरमेंटल लॉस भी बहुत ज़्यादा हद तक होता है, हम देखते हैं कि कैसे लैंडस्लाइड्स की समस्या हो सकती है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कार कैसे लैंडस्लाइड से दब गई हैं। तो एनवायरमेंटल, क्योंकि फिर उससे एनवायरमेंट को बहुत इफ़ेक्ट होता है इतने सारे लॉस की वजह से। फिर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जिन जिन परिवारों के लोग नहीं रहते, जब भूकंप के झटके को जिन परिवारों ने महसूस किया होता है उनके मेंटल और इमोशनल लेवल को हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा अफेक्ट होता है, उन्होंने वो चीज़ सामने देखी होती है, वो झटका उन्होंने सामने अपने महसूस किया होता है, और एक बहुत बड़ा लॉस होता है। तो हम इफ़ेक्ट्स में ये पॉइंट्स, आपको ये पॉइंटर्स मैं दे रही हूँ, अगर आप इन पॉइंटर्स को लीजिए, अपने शब्दों में लिखिए, आप कमेंट में हमें मेल के थ्रू आप हमें भेज सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम उसको पढ़ें और आपको फीडबैक देने की कोशिश करें। इसलिए मेरा मकसद है कि आपको स्पून फीडिंग नहीं कराऊं, मैं आपको पॉइंटर्स देना चाहती हूँ, ये पॉइंट आप याद रखेंगे तो आप लिख तो अपने शब्दों में सकते हैं, और लिखें अपने शब्दों में। अगर मैं अपने शब्दों में लिख कर दे दूँगी और 10 लोग अगर वही आंसर राइटिंग कर रहे हैं, 50 लोग वही आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो दैट विल बी नॉट अ गुड आंसर। तो इसलिए गाइड और स्पून फीडिंग वो सब नहीं कीजिए, जितने ज़्यादा पॉइंट आप इकट्ठा कर सकते हैं कीजिए। मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, इसके अलावा भी अगर आपको कोई पॉइंट दिखता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये रहे इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अब हम प्रिडिक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस की बात करेंगे कि कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं कि बिफोर एन अर्थक्वेक हिट्स। तो इट स्टार्ट्स विद साइंस, साइंटिस्ट्स आर वर्किंग विद पार्टनर्स टू बेटर प्रिपेयर एंड लर्न मोर अबाउट अर्थक्वेक्स इन होल वर्ल्ड। मीन्स दे आर प्रिपेयरिंग फॉर डूइंग द प्रिडक्शन ऑफ अर्थक्वेक, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है जिससे कि प्रोजेक्ट कर सकें कि इस दिन, इस तारीख को, इस टाइम पे अर्थक्वेक आ सकता है और कहाँ आ सकता है। तो ये एक बड़ी समस्या है।
उस पर काम किया जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो प्रिपेयर्डनेस की और पॉलिसीज ऐसी बने जिससे कि अर्थक्वेक हिट एरिया में प्रोटेक्शन जो है लोगों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो बन सके। प्रिपेयर्डनेस जारी है, रिकवरी अगर एक अर्थक्वेक आ जाता है उसके बाद की जो सिचुएशन होती है वो रिकवरी की सिचुएशन होती है, तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जिसमें प्रिपेयर्डनेस पहले से हो तो वो बहुत अच्छा उस एरिया में काम किया जा सकता है। तो एबिलिटी रिकवर करने की जब भी अर्थक्वेक आए वो पहले से प्रिपेयर्डनेस होना ज़रूरी है। तो आर यू रेडी फॉर द अर्थक्वेक? प्रेडिक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंजीनियर्स जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें कि स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन यानी नींव आपकी स्ट्रॉन्ग हो, घरों की, बिल्डिंग्स की नींव आपकी स्ट्रॉन्ग हो, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, ऊपर का स्ट्रक्चर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो और जो रूफ्स हों वो लाइटर हो। जब भी ऐसे इंजीनियर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं जिससे कि ये हो। फिर साइंटिस्ट प्रोजेक्ट कर, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे टेक्निक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम भूकंप को प्रोजेक्ट कर सकें। तो कब और कहाँ भूकंप आने वाला है? तो हम जानते हैं कि जो एरिया है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मान लीजिए, तो वहाँ पर भूकंप आने की संभावना, तो उन एरियाज़ में कम से कम बिल्डिंग्स को उस तरह का बनाएं, लोगों को उस तरह से ट्रेन करें ताकि ऐसी स्थिति में एक प्रिपेयर्डनेस हो और शांति से उस एक जो डिज़ास्टर है उससे पार पाया जा सके। सुनामी वार्निंग सिस्टम भी नो कि अब वार्निंग सिस्टम्स जारी किए जाते हैं जिससे कि फिशर्स जो हैं, फिशरमैन जो हैं, उनको अलर्ट किया जाता है, जो उसी एरियाज़ में जो विलेजेस हैं उनको खाली किया जाता है। तो ये सब काम होता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर गाइड भी जारी की जाती है, प्रिपेयर्डनेस गाइड पॉलिसीज़ हैं उनमें ये प्रिपेयर्डनेस गाइड होनी चाहिए कि बिफोर, जब आपको झटका बिफोर हो तो फिर क्या करना चाहिए, फिर ड्यूरिंग क्या करना चाहिए, उस वक्त क्या करना चाहिए और आफ्टर, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और उन एरियाज़ में तो पक्का क्लियर होनी चाहिए जहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो बिफोर रन टूवर्ड्स द एग्जिट एंड असेंबल एट द सेफ प्लेस, ऐसे प्लेस जो खुला मैदान है, खुला एरिया है जहाँ बिल्डिंग्स नहीं है, वहाँ पर इकट्ठा होना है। फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स, उनका ज्ञान पहले से होना चाहिए क्योंकि जब भी हम उसको, जैसे हम मेट्रो में सफ़र करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं पर सबको उसका पता नहीं होता है कि कैसे यूज़ करना है, तो उस एरिया में ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर इमरजेंसी किट हैंडी होनी चाहिए और इक्विपमेंट्स रेडी होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है, मेडिकल हो या और भी किसी तरह के इक्विपमेंट्स हो जो इस अर्थक्वेक से पहले जो है वो प्रिपेयर्डनेस रहे। फिर ड्यूरिंग काम रहना चाहिए, ये नहीं कि भगदड़ मचा दी तो भूकंप से कोई लॉस हुआ ना हुआ हो बस भगदड़ में आपका लॉस ज़रूर हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में काम रहे। व्हेन इनसाइड ड्रॉप इन कवर होल्ड अंडर अ सेफ शेल्टर, तो सेफ शेल्टर तलाश कीजिए, किसी भारी टेबल के नीचे आप शेल्टर ढूंढ सकते हैं। फिर उसके बाद आउटसाइड हैं तो ओपन स्पेस में ही जाना चाहिए। आफ्टर वाइल एग्जिस्टिंग बिल्डिंग अवॉइड एलिवेटर एंड यूज़ स्टेयर्स, तो एलिवेटर्स को यूज़ नहीं करनी चाहिए, लिफ्ट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, एक्सीलेटर को यूज़ नहीं करना चाहिए, यू कैन गो आउटसाइड यूजिंग स्टेयर्स, सीढ़ियों को यूज़ करके आप नीचे जा सकते हैं। इफ़ यू हैव टू इवैक्यूएट योर होम देन लीव अ मैसेज स्टेटिंग वेयर यू आर गोइंग एंड कैरी योर इमरजेंसी किट, तो अगर कोई ऐसी भूकंप आता है जो जिसमें लॉस हुआ है तो जब आप घर छोड़ें तो एक मैसेज छोड़ के जाएँ ताकि जब, क्योंकि ऐसा डिज़ास्टर होता है कि पता भी नहीं चलता कि कौन कहाँ है, तो ऐसी स्थिति में ये होना चाहिए। लोकल अथॉरिटीज़ से अपडेट्स लेने चाहिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कम्युनिटी रेडियो, आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं अपने आंसर्स में कि कम्युनिटी रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहता है जब डिज़ास्टर होने के बाद, बहुत ही बड़ा योगदान है लोकल अथॉरिटीज़ का, बहुत बड़ा योगदान है कम्युनिटी रेडियोज़ का है, तो उनके संपर्क में रहना चाहिए। आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं कि इन
माध्यमों को विकसित करने की ज़रूरत है, इन माध्यमों को भी प्रिपेयरनेस गाइड करने की ज़रूरत है, ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो हम बात कर रहे हैं अभी भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एरिया में ही बात करें तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे हम बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रिपेयरनेस रखें, तो ये सारे पॉइंट स्टेप्स फॉर अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस आप पढ़िए और उसको समझिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या हमें करनी चाहिए प्रिपेयर रहने के लिए, और ये आप अपने एग्ज़ाम राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि अगर अर्थक्वेक कहीं आ गया है तो कैसे उसको मैनेज करें और कैसे डिज़ास्टर मैनेज किया जाए। तो प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, रिसर्च एंड डिवेलपमेंट के द्वारा, रिसर्च एंड डिवेलपमेंट करके एक प्रॉपर प्लानिंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक ऑफिसर को ज्ञान होना चाहिए कि क्या इसकी अर्थक्वेक की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और उसके एरिया में वो क्या क्या कर सकता है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग एरिया वाइज होनी चाहिए, अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, उस हिसाब से। फिर इंटेंसिव प्रोफेशनल एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, ये प्रोफेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए जो कि उस एरिया में लोकल लोग हैं, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल पीपल हैं, लोकल सिटीजन्स हैं, उसके बाद कम्युनिटी रेडियोज़ हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनकी एक अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंटेंसिव प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, यूएन वॉलंटियर्स और भी दूसरे वॉलंटियर्स, एनजीओज, उनका ट्रेनिंग होना चाहिए और एक असेसमेंट भी होना चाहिए। एक असेसमेंट होना चाहिए कि बिल्डिंग्स किस तरह की बनी हैं उन सिटीज़ में जहाँ पर अर्थक्वेक आने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, तो बिल्डिंग्स इन अर्थक्वेक प्रोन सिटीज़ ऑफ इंडिया, ये इसकी जांच होनी चाहिए और उस तरह की बिल्डिंग्स को ज़्यादा बनाने की योजना होनी चाहिए, पॉलिसीज़ में होना चाहिए। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, जिससे हम सीख सकते हैं उन देशों से जहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं, जापान देखिए, जापान में बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं लेकिन वो कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे उस डिज़ास्टर को मैनेज करते हैं, उनसे सीखने की ज़रूरत है। तो ऐसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की ज़रूरत है जो हम करते भी हैं और आगे भी करने की ज़रूरत है। अर्बन रिस्क मैनेजमेंट एफर्ट्स जो वो लोग यूज़ करते हैं उनको सीखने की ज़रूरत है। फिर अवेयरनेस जनरेशन, मॉक्स होने चाहिए, ट्रेनिंग के साथ साथ मॉक्स होने चाहिए कि ऐसी स्थिति में जब ऐसी स्थिति आए तो किस तरह से उसको कोप अप और किस तरह से उसको हम अपनी अवेयरनेस से उस स्थिति से पार पा सकते हैं। तो ये था डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो आज के लिए केवल इतना ही। हमने बात की अर्थक्वेक के डेफिनेशन एंड मेजरमेंट से लेकर उसके डिज़ास्टर मैनेजमेंट तक। आपको इस अर्थक्वेक से रिलेटेड, भूकंप से रिलेटेड कुछ और भी आपको लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकता है तो प्लीज़ पूछिए, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ अर्थक्वेक लिखा हुआ है। तो जब अर्थक्वेक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इतनी चीज़ें अगर आप प्रिपेयर कर लें तो आई थिंक इट विल बी फिनिश्ड और बहुत अच्छा आंसर इतने में आप लिख सकते हैं। तो हमने जाना अर्थक्वेक में, आज ये फिनिश होता है लेक्चर जिसमें हमने डेफिनेशन एंड मेजरमेंट की बात की, फिर हमने अर्थक्वेक में फोकस एंड एपिसेंटर की बात की, फिर हमने कॉजेज जो कारण हैं अर्थक्वेक आने के उनकी बात की, हमने इफ़ेक्ट्स की बात की और फिर हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे प्रिडिक्शन एंड प्रिपेयरनेस के एरिया में साइंटिस्ट्स काम कर रहे हैं वो बात की। अगर आपको कुछ लगता है इसमें मिसिंग है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही और हमें मुझे माफ़ कीजिए, मेरी आवाज़ के लिए बिल्कुल बैठी हुई है पर मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।